अरे तुम सोई नहीं? पापा मुझे नींद नहीं आ रही। राजा और रानी कहानी सुना। कौन सा राजा रानी कहानी? तुमने सुनाया तो था। नहीं सुनाया थे। नहीं सुनाया? मुझे तो याद भी नहीं है। ठीक है, स्कूल में कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है। फंक्शन होने वाला था, कब होगा? 22 तारीख को। वाह, तो तुम मिले हो फंक्शन में, क्या बनी है? नागपुरी डांस करोगी? संबलपुरी डांस करोगी? तो तब तो बढ़िया है। मैडम सिखा दिए? कौन सिखा रहा है? टीचर डांस मिस और इंग्लिश मिस सिखा। अच्छा, और तो क्लास में सब ठीक चल रहा है? तो मस्जिद मस्जिद कर रही हो? नहीं। ठीक है, मैं कहानी सुना रहा हूँ, ओके? लेकिन आपको सो जाना है, ठीक है ना? और नहीं सोगे तो नहीं मैं करूँगा। ठीक है, सो जाओ, सो जाओ अच्छे से। हाँ, इसको ऐसे करो, के तो कहानी है विश्वासघात, ठीक है? इसमें राजा रानी की कहानी है। तो सालों पहले लखनपुर नाम का एक राज्य था, ठीक है? उसमें एक भीमा नाम का राजा राज करता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपने प्रजा को बहुत प्यार करता था। प्रजा माने? अपने लोगों को बहुत प्यार करता था, ठीक है? उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली खुशहाली था, लेकिन राजा रानी खुद हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन उनके पास उनकी संतान नहीं थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो संतान पाने के लिए राजा और रानी पूजा पाठ जब तब सब करके देख चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन महर्षि के कहने पर राजा ने वहां यज्ञ कराने का फैसला लिया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत सुंदर कन्या प्राप्त हुई। जो यज्ञ हुआ ना, उसमें खूब सुंदर सी कन्या मिली, ठीक है? राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल छा गया। राजा ने सारे नगर वासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। भोज बनाए? आप गाते ना पार्टी खाने? पार्टी दिया, क्योंकि वो तो पापा बन गया ना, कोई प्यारी सी बेटी हुई राजकुमारी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, राजकुमारी बड़ी होने लगी। बहुत सुंदर थी और बहुत ही इंटेलिजेंट थी। राजा रानी उसे देखकर ही खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो जैसे नजर लग गई। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य नीम हकीम सब इलाज में जुटे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वो फिर निसंतान हो जाएंगे। उनको लगा ना उनका बेटू नहीं रहेगा, ठीक है? एक दिन दूर देश से एक वैद्य राजा के महल में पहुंचे। डॉक्टर देखने में वह अजीब सा था और उसने ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने थे, जिस वजह से सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की बहुत ही गुजारिश करते हुए कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किसी से उनकी बात पर यकीन नहीं किया। तुम तो कपड़ा फटा हुआ पहने हो, इतने सारे लोग तो आके यहाँ पे देख चुके वैद्य, वो नहीं कर पाए। तुम कहाँ से आए हो? तुमने कपड़े भी नहीं पहने हुए। हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे, हम तुम पे विश्वास नहीं करते। सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए, लेकिन अब ज्यादा उसको ये कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। सैनिक उसको बोले चलो राजा के पास। तो वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूँ। राजा उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनका रहन सहन देखकर राजा ने भी उस पर यकीन नहीं किया। वैद्य तो बड़ा फटा हाल है, खुश तो हो गए लेकिन करो कैसे? उधर राजकुमारी की तबीयत धीरे से और खराब होते जा रहा था, इसलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे मौका देने का फैसला लिया कि इतने सारे लोग हार रहे हैं, अब उसका तो बचना नहीं बचना समझ में नहीं आ रहा है। इसको बहुत कॉन्फिडेंस है, मतलब
वैद्य को बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो उस राजकुमारी को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। यही कह के राजा ने हाँ बोल दिया। राजा ने वैद्य को बोला कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने बोला ठीक है, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा। राजा ने कहा जो मांगोगे मिलेगा। वैद्य राजी हो गया। राजा खुद उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका सारा ब्यूटी, जो तुम क्यूट सी हो ना, उसका सब निकाल दिया। चेहरा दर्द में धुआं एकदम पीला हो गया था। वैद्य ने राजकुमारी के करीब पहुंचा और नर्व्स टटोलने लगा, नर्व्स चेक करने लगा। फिर उसने थैले से जड़ी बूटियों को तैयार दवा पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से बोला कि आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते हुए 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी, राजा रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज राजकुमारी अब ठीक हो गई है, ये 1 महीने की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ, इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना, इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, यह बीमारी दोबारा उनके पास भी नहीं भटकेगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वैद्य बोला, सोच लीजिए राजा जी, आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे। राजा बोले, तुम मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बोलो क्या मांगते हो। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका आधा राज्य और बेटी का हाथ। उसने क्या कहा, आपका मुझे राज्य, आधा राज्य मुझे दे दो और आपकी बेटी को भी मुझे दे दो, शादी करना चाहता हूँ राजकुमारी के साथ। इतना सुनते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कड़कड़ाते हुए आवाज में कहा, तुम होश में तो हो, अगर तुम मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा ना की होती तो तुम अब तक यमलोक पहुंच गए होते। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य कुटिला सा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इस घटना के कुछ 3 दिन बीते थे कि एक दिन फिर राजकुमारी की हालत बिगड़ गई, उसका शरीर नीला पड़ गया। आनंद फानंद में राज्य वैद्य को बुलाया गया। राज्य वैद्य ने राजकुमारी को जहर दिया गया है, इसे तोड़ किसी पास नहीं है। कुछ देर राजकुमारी ने दम तोड़ दिया, पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। छानबीन से पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो गुड़िया दी थी उसमें से 1 गुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा। वैद्य को पहले से ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने 1 गुड़िया में जहर भरकर रखा था। उसने सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाता तो वो जहर वाली गुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर नहीं मानता तो इसकी सजा राजकुमारी को भुगतनी पड़ेगी। वैद्य की चाल कामयाब होगी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलता है बेटा, अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना जरूरी है, नहीं तो वो तो कुछ भी कर देगा। और सोच समझ के किसी को कहना चाहिए कि भाई तुम जो बोलोगे वो मैं दूंगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे नहीं बोलते थे कि प्लीज मेरा काम कर दो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सोच समझ के कहां मेरा लॉस है कहां मेरा नहीं है, ठीक है, कोई बड़े हो गए तो सीख जाऊंगी। कहानी कैसा लगा? अच्छा। राजकुमारी मर गए, अच्छा लगा।